शिक्षकों के उच्च पद प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया एक बार फिर प्रारंभ कर दी गई है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंध लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षा संभाग के लोक सेवकों की जानकारी प्रपत्र में पूर्ति की जाकर उपलब्ध कराने विषय। व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक संभाग के लोक सेवकों की व्यस्तता संबंधी जानकारी जो संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाकर रिक्त कॉलमों की पूर्ति दिनांक 21/11/2023 तक दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी एक्सेल सीट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है। अतः आप अपने कार्यालय एवं संकुल केंद्र अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का मिलान करते हुए जिन कॉलमों को खाली दर्शाया गया उनकी सेवा अभिलेखों से पूर्ति करते हुए कल दिनांक 21/11/2023 को दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में विशेष विभाग के द्वारा इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यालयीन स्थापना कक्ष 2 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसे व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नाम सूची में अंकित नहीं है नवीन भर्ती को छोड़कर कॉलम अनुसार सेवा अभिलेख से जानकारी तैयार कर प्रत्यक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे लोक सेवक जो कि स्थानांतरण हो चुके हैं तथा जिले में प्रदर्शित हो रहे हैं, सेवानिवृत्त, मृत्यु हो गई है, जिनकी जानकारी स्पष्ट विवरण सहित रिमार्क के कॉलम में अनिवार्य अंकित करें। तो यह आदेश जारी किया गया उच्च पद प्रभार से संबंधित जिनकी जानकारी कॉलम वो सूची जारी कर दी गई है एक्सेल सीट में, वो सीट प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें जो जानकारी नहीं दी गई जिन शिक्षकों की, उन्हें अपनी जानकारी 21/11/2023 तक देने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।